हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इन दिस क्वेश्चन गिवन वी सी दैट देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क है आपका, उसमें स्लाइड है, स्लाइड होता ही है, पार्क में बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ पे, तो स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल, उसके एक साइड के वॉल में, ठीक ना, उसके साइड है तो वॉल में हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज। उस वॉल को पेंट किया गया है और उसमें लिखा क्या गया है, मैसेज क्या है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जो क्या लिखा है उस पर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वास्तव में मैसेज लिखा है उस पार्क के उसमें। और वो किस फॉर्मेशन में है, ट्रायंगल फॉर्म में, और कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो कलर किया गया एरिया है उसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख यूज करते हैं गिवेन, सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू क्या आपका 15, बी इक्वल टू 11 एंड सी इक्वल टू 6। ओके, तो एरिया ऑफ पेंटेड वॉल इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ध्यान देना, क्योंकि आपके साइड्स क्या है, सब डिफरेंस है, ए बी सी दिया है, साइड्स दिया, गिवेन है, तो हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ पेंटेड वॉल इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस सी। तो वेयर ए बी सी हमने सपोज किया ही है, गिवेन हमने सपोज किया ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, ए मीन्स क्या आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, कितना होगा आपका 42, कितना होगा आपका 42 होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, 26 प्लस 6 32 बाई 2 इक्वल टू 16, कितना आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी फाइंड किए। ओके, तो कितना आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, मतलब 32 बाई 2 मीन 16, और यहाँ पे यही s की वैल्यू इस पर रखते हैं, सो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। ओके, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग फट से, आ जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू क्या होगा यहाँ पे इंटू 10, कितना होगा आपका 16 1 इंटू 5 इंटू 10, ये तो मिल रहा है आपको। अब इसी को हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं, जो भी आपका यहाँ से बनता है 16 के क्या 4 हो जाएगा, बाहर आएगा अंडर रूट से, तो 5 इंटू 2 इंटू 5, देखो 10 का क्या होगा 2 इंटू 5 पेयर बना आपको 4 इंटू पेयर बना 5 बाहर आएगा आपका, और अंडर रूट 2 आपका बच जाएगा, मिल जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 2 मीटर है, हाँ मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। Now we discuss the question number 4. In this question, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. यहाँ पे given a equal to suppose करते हैं कितना आपका 18 centimeter, b equal to suppose करते हैं 10 centimeter. Okay? और इसके बाद पेरीमीटर दिया है हमें, किसके लिए दिया है, ताकि हम सी फाइंड कर सकें। ओके, तीनों साइड जैसे मिल जाएंगे, हम यूज़ कर लेंगे हीरोन्स फार्मूला का, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ए बी सी मिल गया, एंड पेरीमीटर आपका दिया है आपका 42, तो पेरीमीटर क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42,
तो ए बी रखते हैं यहाँ पे, ये कितना आपका 18 प्लस 10 एक प्लस सी इक्वल टू 42। ओके देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू ने बी सोल्व, सी हमें फाइंड करना है कितना होगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42। सी इक्वल टू 42 माइनस 28, आपको सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 14। ओके सी इक्वल टू कितना मिल गया 14, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हीरोन्स फॉर्मस एरिया में फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना ही है। अब देखो यहाँ से हमें यस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, सिंस यस इक्वल टू क्या होगा पेरीमीटर बाय टू, मतलब पेरीमीटर क्या ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर मीन्स क्या ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 42 बाय टू इक्वल टू 21, ये तो यस की वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा आपका यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये जो आपका वैल्यू है ट्रायंगल ए एस एस माइनस एस माइनस बी। अब ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम ही है, ए बी सी की वैल्यू मालूम, हम सब पुट करेंगे, एस की वैल्यू भी फाइंड है हमें, इसको हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। यस कितना है आपका 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस बी मीन्स 10 है, 21 माइनस सी कितना फाइंड किए 14। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको मिल जाएगा 21 इंटू 3, यहाँ से मिल गया आपको 11 और यहाँ से मिल जाएगा आपका 7, ठीक है ना। अब इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, जो पेयर बन रहा है 3-3 का पेयर बना, 7-7 का पेयर बना, 3 इंटू 7 अंडर रूट क्या हो गया 11, 21 अंडर रूट 11, ये तो आपको वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये आपका एरिया मिला 21 इंटू अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 की आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट 11 की वैल्यू आप फैक्टर से मेथड सॉल्व करके 11 वहाँ रख के पुट करके मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे छोटे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके थैंक यू।